देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर सफाई कर्मचारी जो है वो धरना पर बैठे थे, अब वो काम पर लौटेंगे सफाई कर्मी से मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहां पर जो अधिकारी है उन्होंने विस्तार न्यूज को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता से उन्होंने ये कहा कि सफाई कर्मी से जिसने मारपीट किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस पर भी आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद अब काम पर लौटेंगे सफाई कर्मी और ये तैयारी भी सफाई कर्मी कर रहे हैं और काम पर लौट रहे हैं। रोहित हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। रोहित, अब सफाई कर्मी जब काम पर लौट रहे हैं तो आगे क्या कह रहे हैं वो, कि आगे जो वो वेतन की भी मांग कर रहे थे, वो वेतन में वृद्धि की बात कह रहे थे, अधिकारियों का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों ने साफ किया है कि कलेक्टर दर पे इनको वेतन मिलेगा। और तस्वीर देखिए आपकी, ये तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार अपने संगठन में बातचीत कर रहे हैं। संगठन में बातचीत करने के साथ में आगे क्या निर्णय लेना है, क्या काम पे वापस लौटना है या फिर ये हड़ताल जारी रहेगा, वो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ बातचीत की जा रही है। इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए बैठक चल रही है, बैठक के बाद में क्या कह रहे हैं, निर्णय हो गया? नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, थोड़ा निर्णय कर रहे हैं। काम पे लौटेंगे वापस? लौटेंगे, कुछ सिस्टम से लौटना है अपने को, लेकिन थोड़ा समय है। अधिकारी साहब से भी मैंने बात किया था। जी मैंने कि आपकी मांगे तो मान ली गई हैं। मानी नहीं गई, हमारे कहने पे प्रस्ताव रखा गया है कि हमको इतना दिन का समय दो, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जितने भाई बंधु है सबके सब स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक जारी रहेगा? स्ट्राइक अभी नहीं रहेगा, नहीं, हम अंदर जा रहे हैं, अभी हमारी बात होगी, उसके बाद क्या है निर्णय वो हम खुद आके बाहर बता जाएंगे। कलेक्टर दर पे तो आप लोगों को भुगतान किया जाता है, फिर आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये हमारे वेतन वृद्धि के लिए है। सीधी बात है सर, कोई भी काम एक सिस्टम से होता है, खाने पीने का चीज़ नहीं, लाखों करोड़ों का हिसाब किताब है, तो हमको एक समय दिया जा रहा है, हम भी उससे समय ले रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं। अगर हमको महीने भर के अंतर्गत नहीं मिलता है, पेमेंट हमारा नहीं बढ़ता है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है अगर नहीं रुकता है तो हम स्ट्राइक करेंगे फिर से। बात यही हुआ है मेन अधिकारी से कि हम उसके कहने अभी जा रहे हैं, उसके वो समय देंगे हम लोग को या हम लोग उसको समय दें, मतलब एक ही है, तो उसके हिसाब से काम होगा, सिस्टम से होगा काम। अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय ये है कि काम, अंतिम निर्णय ये है कि हम वहाँ से जाके बात करेंगे, अगर लगता है कि काम चालू करना है तो हम आज से नहीं कर सकते, भाई लोग बोर है नहीं करने करके, कल से काम करेंगे। अब एक डेट लिखित में दिया जा रहा है हमको कि हम लोग इतना दिन से आपसे समय लिया जा रहे हैं, ऐसा करके लिखित में दिया जा रहा है, अगर वो समय में नहीं होता है तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। फिर हाल अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर क्लियर होता है तो गाड़ी निकालेंगे, नहीं होता है तो नहीं निकालेंगे। सुपरवाइजर को लेकर आप लोग की मांग थी कि हैरेसमेंट करते हैं, तो वो उनके लेकर बातचीत हुई, क्या कह रहे कंपनी? जी सुपरवाइजर को तो निकालने का बात किए ही हैं, बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा समय दीजिए, कि कोई भी एक बार में नहीं निकाला जा सकता है, तो बोले कि बिल्कुल जो पांच सुपरवाइजर जिनका नाम दिया गया है। जी रोहित बिल्कुल, तो एक और अधिकारी का कहना है कि सफाई कर्मी जो है वो काम पर लौट रहे हैं, वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि अभी अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे, आगे क्या कुछ होगा, अगर हमारी मांग जितनी दी हुई तारीखों पर कंप्लीट नहीं हो पाती तो हम फिर से एक बार स्ट्राइक करेंगे, ये कहना है इन कर्मियों का। अब आगे क्या कुछ अपडेट होगा इस पर भी मैं आपसे जानकारी लेती रहूंगी। रोहित फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।